उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार हर्ष फायरिंग पर अंकुश लगाने का दावा करती है, लेकिन उसके बाद भी शादी विवाह में हर्ष फायरिंग को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते ब्रह्मपुरी क्षेत्र में देर रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली दूल्हे के भतीजे को लग गई। घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक के गोली लग गई। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि प्रदेश पुलिस शादी विवाह में हर्ष फायरिंग रोकने का दावा करती है, लेकिन उसके बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला शादी समारोह में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब पूरी तरह से शादी विवाह में हर्ष फायरिंग रोक पाती है या नहीं, या यूं कहें कि पुलिस को यह लोग ऐसे ही हर्ष फायरिंग करके चुनौती देते रहेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगी है, पूरा मामला क्या है? हाँ, उसकी जांच के संदिग्ध परिस्थितियों में फायरल इंजरी है, जिसको केएमसी हॉस्पिटल में उन्हीं के लोग ले गए थे। हॉस्पिटल के माध्यम से ये सूचना मिली थी, उसमें कुछ वीडियो फुटेज भी मिले हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।